টিকিট কাউন্টার আপনার এখানে তাহলে অনলাইনে কেন সবসময়? बिस्व बांग्ला गेट पिछले रात को ठीक से दिखा नहीं पाया, जस्ट मैंने आप लोग को एक फुटेज दिखाया था क्योंकि रात को जो है बंद हो जाता है, एक लिमिटेड टाइम है शाम 5 बजे तक ही, चार टाइम स्लॉट है ना, तो हम लोग बुक कर सकते हैं और अंदर में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो बुक माई शो से भी बुक कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग के पीछे यहाँ पर टिकट काउंटर है, सो हम लोग जो है इस टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, फिर हम लोग गाइस ऊपर लेके ऊपर जाएंगे। सो मैं आप लोगों को बिस्व बांग्ला का गेट जो है वहाँ पर ऊपर में जा के दिखाऊँगा कि वहाँ से नज़ारा कैसा है और अंदर में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ जो है खाने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन कोलकाता, राइट? ओके, सो गाइस चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अंदर और देखते हैं कि कैसा ये हैंगिंग रेस्टोरेंट है किस। जो है यहाँ पर भी टिकट अवेलेबल है और बुक माई शो से भी हम लोग बुकिंग कर सकते हैं, मगर हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग को टिकट नहीं मिला। तो इन द सेम टाइम जब हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करने कोशिश किया तो देखा कि ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। सो कल गाइज हम लोगों का नहीं हो पाया और नहीं जा पाया हैंगिंग रेस्टोरेंट में। सो ये उसके बाद का दिन है, पिछले दिन का जो शूट किया था उसके साथ आज जो है नेक्स्ट डे है, आज फ्राइडे है, और हमने शाम के 5 बजे का जो स्लॉट है उसको बुक किया था, वो कल ही बुक किया था हम लोगों ने आज के लिए। और आफ्टर दिस हम लोग का फिर ट्रेन है गाइस, फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ। तो गाइस सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो गाइस सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 हो रहा है और हम लोगों को 4:40 में टिकट मिलेगा। फिर हम लोग, आप मेरे पीछे देख सकते हो एक सीधा जो दिख रहा है आपको, वो लिफ्ट है, एक ही लिफ्ट है। सो उस लिफ्ट के ज़रिए हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर अगर कैमरा अलाउड हो, कैमरा अलाउड हो तो मैं क्या इस कैमरे से, वरना फिर फ़ोन से मैं कुछ शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस। चुका है, अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, सो लेट्स गो। गाइस आप देख सकते हो सामने जो है हिडको भवन है, ये उसी के अंडर में और ये उसी का विजन है।
गाइस लगभग हम लोगों ने एक राउंड मार लिया। ये चारों तरफ भी देख रहे हो गाइस टेबल चेयर लगा हुआ है, यही रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर बैठ के यहाँ से कुछ खा सकते हो। यहाँ पर आपको हार्ड मतलब भारी खाना नहीं मिलेगा, लंच या डिनर जस्ट कुछ स्नैक्स कॉफ़ी ऑफी जो है अवेलेबल है यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर कुछ ऑर्डर करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले ही एक दो वीडियो देखा है जहाँ पर कुछ ब्लॉगर्स ने बताया कि यहाँ पर जो खाना है कुछ खास नहीं है। वेल ये जो विश्व बांग्ला गेट है, ये अभी जो आप चौड़ाई देख रहे हो इसका, ये 4 मीटर है, इट इज़ लाइक 25 मीटर्स अबव द ग्राउंड, और इसका पूरा जो हाइट है ये 55 मीटर्स है। और आपका ये एक नया कंसेप्ट है वेयर इनोवेशन मीन्स इज ब्लेंडेड विथ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड एक्चुअली इन 2017 मार्च एंड इट एंडेड इन 2018 जनवरी, तो एक साल से कम टाइम में ये बना है। एंड दिस इज़ अ मार्वलस प्रोजेक्ट फ्रॉम द हिडको, जो एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में आता है, एंड यू विल रियली एंजॉय द थिंग्स। अनुपम एक्चुअली कोलकाता में है काफ़ी दिनों से, तो अनुपम को काफ़ी कुछ पता है, यही आज मुझे यहाँ पर लेके आया। एक्चुअली मुझे आना था, मुझे कैसे आना था मुझे पता नहीं, फिर मैंने नेट पर सर्च किया तो ऑनलाइन टिकट्स के बारे में मुझे पता चला। ऑनलाइन टिकट्स ओनली 100 रुपीज़ से 1 घंटे के लिए आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट है, 5 बजे है, 4 बजे है, 12 बजे है, 2 बजे है। सो हम लोगों ने 5 बजे का जो है स्लॉट बुक कर पाया, एक्चुअली फुल हो जाता है, आपको एक दिन पहले बुक करना होता है बुक माई शो का। यहाँ पे भी एक सेल्फी जोन बनाया हुआ है, और अगर आप देखोगे LED स्क्रीन भी लगाया हुआ है जिसमें आपको पूरा न्यूज़ मिलेगा, जो वर्ल्ड कप का तैयारी हो रहा है और जो मैचेस बन रहे हैं उसका। सुबह से चलो कहीं पे बैठते हैं, 7 बजे के बाद आओगे तो शायद आपको डाइनिंग भी मिलेगा, ये मैंने पढ़ा था, बट एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे भी। बंगाल के जितने भी लेजेंड्स हैं सबके कोटेशंस और उनका पेंटिंग्स यहाँ पे वॉल पेंटिंग के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे बंकिम चंद्र हैं, रविंद्रनाथ हैं, मदर टेरेसा हैं, या प्लस अगर सीट हो यार। थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, ये हो सकता है कि नीचे के जो ट्रक के उसके वजह से, या फिर काफ़ी लोग जो ऊपर आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अर्थक्वेक हो रहा है, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि ये गिर जाए, क्योंकि ये वेक्टर डिजाइन का बना हुआ है, बहुत ही अच्छी कंपनी का है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड स्टील, सो इट्स वेरी प्रोटेक्टेड प्लेस, ऐसा फील आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा वाइब्रेशन के वजह से होता है, बट मज़ा आएगा। यू शुड कम टू दिस प्लेस। देखिए एक दो ब्लॉगर जो कोलकाता के हैं, लोकल ब्लॉगर जो है कोलकाता के ब्लॉगर, एक तो मैंने वीडियो देखा है, तो मैंने वहाँ पर उन लोगों का वीडियो देखे, पता चला कि यहाँ पर जो मैंने भी यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर जो लंच वगैरह या फिर डिनर वगैरह की कुछ खाना अवेलेबल नहीं है, आप स्नैक्स वगैरह टी कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, वो भी कुछ खास भी कुछ ट्राई करते हैं, और फिर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या अवेलेबल है और टेस्ट कैसा है। ठीक, लेट्स गो। यहाँ पर मेनू कार्ड भी अवेलेबल है, कुछ आइटम भी अवेलेबल है, चिकन पाप और भी बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह है। ये कैफे एकांत का आउटलेट है,
अब इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, कैफे का अंत है क्या? मैं तो हूँ आसनसोल का। ये इको पार्क में एक रेस्टोरेंट आता है जो आपका तो ये जो एक वाटर किंगडम है अंदर आपका इसके इको पार्क के अंदर। हाँ चलेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्ली इन द कमिंग एपिसोड्स आई गेस हम लोग चलते हैं वहाँ पे। ओके श्योर। और वी नीड टू एक्सप्लोर इको पार्क एज़ वेल। एक घंटा हम लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, मगर हम लोग का ट्रेन जो है बुक्ड ऑलरेडी, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोगों को कोलकाता स्टेशन जाना है, वहाँ से ट्रेन पकड़ना है, फिर हम लोग चले जाएंगे आसनसोल। एक घंटे का टाइम स्लॉट है बट अभी आई गेस हम लोग को 15 मिनट ही हुआ है, तो इफ दे आर प्रोवाइडिंग वन आवर टाइम स्लॉट तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग आराम से यहाँ पे बैठो, एसी है, एंजॉय करो, टिफिन लो, और उसके बाद निकल। जितने भी लोग हैं सबके सब या तो फोटो क्लिक कर रहे हैं या तो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसा है कि बिना फोटो क्लिक किए नहीं रह सकते गाइस। काफ़ी कमाल का व्यू है सिटी के, सिटी के बीचों बीच यहाँ से आपको पूरा सिटी जो है ऊपर से दिखेगा, अमेजिंग नज़ारा है। आई होप मैंने आप लोग को वो सारा दिखाया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आप इस तरह के वीडियोस और भी अगर देखना चाहते हो गाइस तो गाइस मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चॉकलेट मॉफिन मैंने आपको बताया, एक घंटे का टाइम होता है, मगर हम लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम लोग को ट्रेन जो ऑलरेडी बुक थी यहाँ से, फिर हम लोग घर जाना होगा, पैकिंग करना होगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ पर गाइस, क्योंकि आज रात में फिर आसनसोल रिटर्न करने वाला हूँ। जैसे आपने देखा डिनर के लिए 9:30 और दूसरा कौन सा टाइम 9 से 10:30 डिनर के लिए आप बुक कर सकते हो, मगर ऑनलाइन नहीं होगा ये बुकिंग, उसके लिए एक अलग नंबर है, वो लिफ्ट के पास है। मैं अगर जब उतरूंगा यहाँ से मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आप फ़ोन करके डिनर के लिए बुक कर सकते हो, अपने 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 फैमिली के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ डिनर कर सकते हो। और क्योंकि आईटी पार्क से बहुत ही नज़दीक है तो ये एक बहुत ही अच्छा हैंगआउट प्लेस होने वाला है नियर फ्यूचर में। मैं मार्क वाई वर्ड्स, यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर के दूर पे सिलिकॉन वैली अपकमिंग है। मीटर्स ऊपर है, लेकिन पूरा जो डॉम है ये 55 मीटर्स है। पर सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम 70 लोग अलाउड हैं और ये करीब प्रोजेक्ट का अपना 25 करोड़ का है। But you never do. Sugar, there's a reason.